मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस नेताओं ने जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर रोष जताते हुए कहा कि सरकार उनकी है, तब भी अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। यहां मरीजों को ना डॉक्टर मिलते हैं ना ही दवाइयां, ज़्यादातर डॉक्टर अपने निजी अस्पतालों में ही व्यस्त रहते हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ योगेश बिसरिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, स्वास्थ्य मंत्री से बोले कांग्रेसी हमारी सरकार है फिर भी अधिकारी हमारी नहीं सुनते, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? एक्चुअल में क्या है कि कल स्वास्थ्य मंत्री ग्वालियर में आए थे जी। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक ली जी, जिस बैठक में उन लोगों ने मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री थे इमरती देवी थी और आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी थे जी। उन लोगों ने अधिकारियों बैठक ली, बैठक में उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो मिलावट हो रही है अपने आप जी, जो आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है, जिससे कैंसर होता है शरीर में, और 15 साल से जो भाजपा सरकार राज्य में जी, ये सब मिलावट चल रही थी वो अब होने नहीं है जी। मंत्री जी ने प्रेस वार्ता में भी ये बात पत्रकारों से करी कि हम 70 जो स्वास्थ्य अपने वो है अस्पताल, उसमें अस्पतालों की कम से 70% डॉक्टर नहीं है जी। उनकी हम जल्दी से जल्दी उनकी पूर्ति करेंगे कि डॉक्टर आए और स्वास्थ्य सेवाएं तो लोगों को अच्छी मिले जी। ये पूरी उन्होंने जानकारी हमको देते हुए बताया, और उन्होंने ये कहा कि अब नेता लोग हमारी डॉक्टर सुनते नहीं है, हड़ताल कर देते हैं, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे बता रहे। योगेश, इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा कांग्रेसी नेताओं को? कांग्रेसी नेताओं का सर उन्होंने कि ये एक दूसरे पर टालते, हम लोगों की सुनते नहीं है जी। और हम लोगों ने पहले यही कहा है कि भाई आपस में पहले समीक्षा करेंगे और एक दूसरे को सुनेंगे, और जिससे कांग्रेस सरकार आगे बढ़ेगी, कमलनाथ सरकार आगे बढ़ेगी, और कमलनाथ सरकार का ये उद्देश्य है कि किसी प्रकार की कोई जनता को कोई असावधानी का सामना नहीं करना पड़े। शुक्रिया योगेश आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।